कन्नौज प्रशासन ने सपा नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख रजनीकांत के अवैध साम्राज्य पर एक बार फिर से बुलडोजर का हंटर मारा है और उनके कब्जे से 10 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया। यह अभियान नायब तहसीलदार भूपेंद्र विक्रम सिंह की अगुवाई में चलाया गया। दरअसल आपको बता दें कि कन्नौज के जलालाबाद ब्लॉक से पूर्व ब्लॉक प्रमुख और सपा नेता रजनीकांत के विरुद्ध प्रशासन ने लगातार दूसरी बार कार्रवाई की है। यह कार्रवाई अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने को लेकर की गई। नायब तहसीलदार भूपेंद्र विक्रम सिंह की अगुवाई में टीम पहुंची, जहां बुलडोजर की मदद से फतेहपुर जसोदा गांव में सपा नेता के द्वारा कब्जा की गई करीब 10 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया और वहां पर किए गए निर्माण को बुलडोजर की मदद से तोड़ने का काम किया गया। प्रशासन इस पूरी कार्रवाई को लेकर आज फतेहपुर जसोदा गाँव में पहुंचा। वहीं आपको बता दें कि इससे पूर्व सपा नेता के द्वारा जलालाबाद के जीटी रोड किनारे स्थित सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए अवैध मार्केट को भी ध्वस्त किया गया था, जिससे लाखों की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया था। अब यह दूसरी कार्रवाई प्रशासन की ओर से की गई है, जिसमें जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटाया गया है।